कंपनी के रिजल्ट्स में शामिल करके पेश करें ताकि मालूम हो सके कि जिस कंपनी पर इस पेरेंट कंपनी का कंट्रोल है वो और पेरेंट कंपनी इन दोनों के रिजल्ट्स मिलकर क्या हैं यानी कि ठीक मानों में उस ग्रुप की परफॉर्मेंस मालूम की जा सके लिहाजा यहां पर अब हम ये काम कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के जरिए से हासिल करते हैं कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट लाइक कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना उन्हीं असूलों के मुताबिक है कि हमने इंटर कंपनी जो उधर रिसिवेबल पेबल आपस में कैंसल किए थे इधर इनकम्स और एक्सपेंसेस अगर कोई होंगे तो वो हम माइनस कर देंगे इसी तरह से हमने जिन चीजों को लाइक like आइटम्स को देखना है उनको क्लब कर देंगे लाइक सेल्स ऑफ सब्सिडी कॉम्पनी सेल्स ऑफ पेरेंट कंपनी में शामिल करके शो की जाएंगी और इसी तरह मजीद आगे जो एक्सपेंसेस वगैरह की डिटेल्स होंगी उनको भी हम कॉन्सोलीडेट करते चले जाएंगे ठीक है सो so, बातें बड़ी आसान लगेंगी आपको लेकिन इंतहाई तवज्जो के साथ अगर आप इस लेक्चर को सुनेंगे तब अदरवाइज अगर आपकी तवज्जो नहीं होगी यही बातें आपको बहुत मुश्किल लगेंगे तोज्जो रहेगी ना ठीक है तो चले हम पहले स्नैरियो की तरफ चलते हैं ये बड़ा सादा सा स्नैरियो है इसमें है क्या कि पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और सब्सिडरी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और बताया यह हो गया स्नैरियो में कि पेरेंट कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को एक साल पहले एक्वायर किया अब एक्विजिशन के वक्त पर आपको मालूम है कुछ रिजर्व होते हैं यहां पर हमने थ्रू आउट द स्नैरियोज इस बात का ख्याल रखना है कि जितने भी रिजर्व्स हैं वो तमाम के तमाम रिटेन प्रॉफिट हैं ये जरा एक बात मैं शुरू में आपको क्लियर कर दूं बल्कि याद दिला दूं रिजर्व्स दो तरह के होते हैं एक कैपिटल रिजर्व्स और दूसरे रेवेन्यू रिजर्व्स। याद है ना कंपनी अकाउंट में पढ़ा था हमने आ गया याद तो कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व को इकट्ठा करें तो टोटल रिजर्व बनते हैं जो कि ओनर्स इक्विटी का हिस्सा होते हैं यहां पर इस क्वेश्चन में या अब से ऑनवर्ड मैं जितने भी पांच सात स्नैरियो आपके सामने पेश करूंगा कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट को समझाने के लिए उसमें जहां कहीं भी रिजर्व्स का जिक्र आएगा वहां वो रिजर्व्स का मतलब रिटेन्ड प्रॉफिट लिया जाएगा ओके क्योंकि आपको मालूम है कि शेयर प्रीमियम भी रिजर्व होता है इसी तरह से कैपिटल रिडम्शन रिजर्व भी रिजर्व होता है जनरल रिजर्व Reserve भी रिजर्व होते हैं ठीक है और रिटेन प्रॉफिट भी एक रिजर्व का ही हिस्सा है लेकिन हम यहां पर तमाम के तमाम स्नैरियो के अंदर अगर रिजर्व की बात करेंगे तो वो कौन से रिजर्व होंगे रिटेन प्रॉफिट के रिजर्व होंगे ये अब मैंने आपको बता दिया कि इन स्नैरियो में आपने रिजर्व को रिटेन प्रॉफिट के तौर पर ही लेना है हाँ अदरवाइज रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में है वो बिल्कुल ठीक है कि रिजर्व कैपिटल रिजर्व होते हैं और रेवेन्यू रिजर्व होते हैं बस यहां पर हमने एक एजम्सन पर बेस किया हुआ है, ओके सो हम स्नैरियो की तरफ चलते हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरह से एक सब्सिडरी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट के साथ कॉन्सोलिडेट किया जाता है आइए जी देखते हैं स्नैरियो नंबर वन इसमें हमारे पास इनकम स्टेटमेंट दी हुई है पेरेंट कंपनी की और सब्सिडरी कंपनी की

फिर इस प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज्यूम करते हुए नेक्स्ट ये बात की जा रही है कि इनकम टैक्स पेरेंट कंपनी का 480 और सब्सिडी कंपनी का 200 हंड्रेड है और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर्स आ गई हमारे पास अब यह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर जो आपको नजर आ रही है इसके बाद आपको मालूम है कि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी बनाया करते थे इनकम स्टेटमेंट आपको मैंने बताया हुआ है कि सेल से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक हुआ करती है और इसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी बनाते हैं जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर को प्लेस करते हैं याद हैं वो बातें हम्म याद होना चाहिए अच्छा अब यहां पर हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी अलग से नहीं बनाई बल्कि हमने इसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट को एड कर दिया अब देखिए ना अदरवाइज अगर हम करते स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्टी के रेफरेंस में बात तो उसमें क्या होता के, opening balance of retained profit के अंदर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एड करते ओके और फिर उसके बाद डिविडेंड जो पे किया उसे माइनस करते और ट्रांसफर टू रिजर्व्स को माइनस करते तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट आ जाता कुछ ऐसा ही पड़ा था ना लेकिन यहां पर बातों को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया गया बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट मालूम करने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट प्लस कर दिया इस बात को एज्यूम करते हुए कि देर इज डिविडेंट एंड देर इज नो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व देखिए अगर डिविडेंट कोई पे नहीं किया ट्रांसफर ऑफ रिजर्व कोई नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को प्लस कर देने से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट आ जाएगा ऐसी बात ही है ना ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट में अब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एड करें या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट को एड करें बात तो वही आएगी ना तीन में दो प्लस करें या दो में तीन प्लस करें जवाब तो पांच ही आएगा ठीक है लिहाजा अब यहां पर आपको बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी नजर नहीं आएगी लेकिन वर्किंग कुछ वही है जो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी में की जाती है आइए इसका अगला हिस्सा देखते हैं जिसमें के हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट को प्लस किया और क्लोजिंग रिटेन प्रॉफिट की फिगर आ गई देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पेरेंट कंपनी का सेवन ट्वेंटी रुपीज है और सब्सिडरी कंपनी का थ्री हंड्रेड रुपीज है इसमें जब हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन को एड कर रहे हैं जो कि वन थाउजेंड एंड फोर फिफ्टी है तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट आ गया पेरेंट कंपनी का वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज एंड सब्सिडरी कंपनी का सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज सवाल का अगला हिस्सा मैं बताता है कि पेरेंट कंपनी ने 100% ऑफ द इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी एक्वायर की 1st ऑफ जनवरी 2008 को कितने में 1700 हंड्रेड में जबकि सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल 1250 थाउजेंड था और उसके रिजर्व्स 450 फिफ्टी के थे मैं यहां पर यह बात आपको क्लियर कर चुका हूं कि जब भी अब आपने रिजर्व की बात करनी है तो इन रिजर्व का मतलब रिटेन प्रॉफिट होगा लाइक like अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि वो कह रहा है कि उसके रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फोर फिफ्टी के थे अब ये रिजर्व तमाम रिजर्व नहीं है यानी कि शेयर प्रीमियम इसमें शामिल नहीं है इसमें कैपिटल रिडम्शन रिजर्व शामिल नहीं है इसमें प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व शामिल नहीं है इसमें जनरल रिजर्व शामिल नहीं है बल्कि ये रिजर्व्स सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड प्रॉफिट को शो कर रहे हैं ये बात मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूं इसलिए इन रिजर्व्स को कतन ये ना समझा जाए कि सारे रिजर्व है और हां यह बात भी समझ ली जाए कि इस रिटेन प्रॉफिट के रिजर्व के अलावा इस कंपनी में और कोई रिजर्व्स नहीं थे तभी आप मजीद अगली बातों को ठीक तरीके से समझ सकेंगे दो बातें मैंने कही हैं, रिपीट किए देता हूं पहली बात यह कि जब यहां पर कहा जा रहा है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडी कंपनी के रिजर्व्स 450 रुपीस के थे तो इसका मतलब है कि ये रिजर्व्स रिटेन प्रॉफिट है पहली बात दूसरी बात यह सब्सिडरी कंपनी में इसके अलावा और कोई रिजर्व मौजूद नहीं थे ओके okay? ना कोई शेयर प्रीमियम था ना कोई कैपिटल रिडेक्शन रिजर्व था ना कोई जनरल रिजर्व था और ना ही कोई प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व की तरह का कोई रिजर्व था ओके okay? हां सिर्फ और सिर्फ रिटेन प्रॉफिट एक रिजर्व के तौर पे मौजूद था अब अगली बातें आपको ज्यादा अच्छी क्लियर होंगी ले जी अब हम इसकी कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाने की तरफ चलते हैं जरा भरपूर तरीके से मुतवज रहिएगा एक वर्किंग जो हम कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के वक्त भी किया करते थे उस वर्किंग को जरा आप देख लीजिए वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की ऑल दो गुडविल को हमने इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं करना होता लेकिन फिर भी हम यहां पर गुडविल को कैलकुलेट करेंगे चंद एक एक्सनैरियो गुजरने के बाद इसकी एप्लीकेशन में आपको बता दूंगा देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास 1700 की है ये वही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली बात है और माइनस हम इसमें करेंगे प्री एक्विजिशन ऑनर्स इक्विटी ऑफ एस कंपनी की होल्डिंग परसेंटेज अब यहां चूंकि हमारे पास 100 परसेंट होल्डिंग है लिहाजा प्री एक्विजिशन ऑनर्स इक्विटी सारी की सारी इस सेवनटीन में से माइनस होगी तो हम देख रहे हैं कि शेयर कैपिटल ट्वेल्व के और प्री एक्विजिशन रिजर्व फोर फिफ्टी के टोटल मिलकर सेवनटीन हंड्रेड ही बनते हैं लिहाजा जीरो गुडविल है नेक्स्ट कैलकुलेशन जो कि इसके तहत बहुत आसान सी कैलकुलेशन नजर आ रही है लेकिन हमें इसी कैलकुलेशन पर बेस करते हुए आगे चलना होगा क्योंकि आगे कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी इस तरह की कैलकुलेशन में यह है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट फॉर द ग्रुप किस तरह कैलकुलेट की जाएगी उसमें देखिए ऑल ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट ऑफ पेरेंट कंपनी दैट इज 1000 इसे क्वेश्चन में से आप पिक करेंगे वहां पर 1000 थाउजेंड आपको नजर आ रहे हैं ये इस वर्किंग का हिस्सा बन जाएंगे और इसमें अब आप प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट ऑफ एस कंपनी आफ्टर एक्विजीशन इस पॉइंट को जरा ज्यादा तवज्जो के साथ समझ लें नेक्स्ट नैरियो में यह बाकायदा फिगर्स के साथ आपके सामने आएगा लेकिन अभी आप इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब मालूम कर चुके होंगे ग्रुप का तो आपको जरूरत पेश आएगी ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप उसमें शामिल करने की ताकि आप क्लोजिंग रिटेन्ड प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप की फिगर मालूम कर सकें अब ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप कैलकुलेट करने के लिए यह वर्किंग मैंने आपको शो की थी इसमें हमने ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट ऑफ पेरेंट कंपनी 100 परसेंट ले लेना हां अलबत्ता सब्सिडरी कंपनी का ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट सारा का सारा नहीं लिया जाएगा इस ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट का मतलब है कि जिस साल की हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं उस साल के आगाज में रिटेन प्रॉफिट का कितना बैलेंस था अब ये स्नैरियो जो अभी मैंने आपको शो किया इस स्नैरियो में तो ओपनिंग डेट को ही हमने सब्सिडरी एक्वायर की थी लिहाजा ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट 100% परसेंट प्री एक्विजिशन कहलाएगा इसलिए जो प्री एक्विजिशन पार्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट होगा उसको तो हम इस्तेमाल कर चुके गुडविल को कैलकुलेट करने में आपने गुडविल की कैलकुलेशन में सीखा हुआ है प्री एक्विजिशन रिजर्व तमाम के तमाम गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस किए जाते हैं यह हम सीख चुके हैं बखूबी लिहाजा अगर प्री एक्विजिशन रिजर्व को हम इस्तेमाल कर चुके हैं तो वो अब ग्रुप रिजर्व का हिस्सा नहीं बनेंगे ग्रुप रिजर्व में हम हमेशा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स को लिया करते हैं यह बात आपको मालूम है हमने बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करते वक्त भी यह सीखा था अब रह गई बात ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिजर्व्स को कैलकुलेट करने की तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिजर्व्स के रेफरेंस में हम यहां पर पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ऑफ ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट को शामिल करेंगे ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट ऑफ पेरेंट कंपनी के अंदर ठीक है इस स्नेरियो में हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ऑफ ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट जीरो है क्योंकि सारा का सारा ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी प्री एक्विजिशन था फोर फिफ्टी रूपीज हंड्रेड परसेंट प्री एक्विजिशन है ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट में कोई भी हिस्सा पोस्ट एक्विजिशन नहीं है लिहाजा वो ग्रुप रिजर्व में शामिल नहीं हो रहा आप एक मतबा दोबारा से वर्किंग देखिए हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट ऑफ पी कंपनी जो कि 1000 नजर आ रहे हैं उसमें शामिल करना है पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट ऑफ एस कंपनी वो जीरो है इस केस में वजह उसकी क्या है क्वेश्चन में देखिए कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट जो गिवन है फोर फिफ्टी रूपीज वो सारा का सारा हमें क्वेश्चन बता रहा है कि एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन मौजूद था लिहाजा ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी हंड्रेड परसेंट प्री एक्विजिशन है और गुडविल की कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो चुका है ग्रुप रिजर्व में शामिल नहीं किया जाएगा क्लियर ले जी अब हम इनकम स्टेटमेंट की कॉन्सोलिडेशन को बाकायदा तौर पर देखते हैं कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसंबर टू थाउजेंड एट सेल्स आप देखिए सिंपली आप एड कर रहे हैं पेरेंट कंपनी की सेल्स को सब्सिडरी कंपनी की सेल्स में सेवेंटी फाइव हंड्रेड प्लस फोर थाउजेंड गिवजस्ट इलेवन थाउजेंड

ग्रॉस प्रॉफिट 3,000 को प्लस करें आप सब्सिडरी कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट 1,100 में तब भी आपको 4,100 की अमाउंट मिल जाएगी बहरहाल आप जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज द आउटकम ऑफ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेक्स्ट बात आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज की अगेन सिंपल एडिशन 1800 हंड्रेड ऑफ पेरेंट कंपनी एंड 600 हंड्रेड ऑफ सब्सिडरी कंपनी प्लस किए तो 2400 फोर हंड्रेड रुपीज फिगर हमारे पास आ गई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी तरह से चाहे तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को लेस कर लें चाहे तो आप सिंपल एडिशन कर लें दोनों कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हाँ अलबत् इनकम टैक्स की बात आती है इसको अब आप एडअप करेंगे पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के इनकम टैक्स की फिगर्स को 480 प्लस 200 मिलकर बन गए सिक्स एटी ले जी हमारे पास 1700 हंड्रेड माइनस सिक्स एटी 1020 रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया अब यहां पर आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिटेन को शामिल करेंगे तो वो 1000 थाउजेंड वर्किंग से उठाए हमने इसमें शामिल किए और 2020 थाउजेंड रुपीज का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट आ गया जी माय डियर स्टूडेंट्स बताइए मुश्किल लगी इनकम स्टेटमेंट की कॉन्सल्टेशन कुछ बातें जो दरमियान में मैंने कर दी थी वो शायद आपको मुश्किल लगी हो जिसमें कि हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिजर्व कैलकुलेट करने की बात की थी वो भी आपको मैं अभी जब नया स्नैरियो करवाऊंगा तो आसानी से समझ आ जाएंगी लेकिन एज फर एज द करंट स्नेरियो इज कंसर्न इसमें तो बड़ी सादा बातें हमने की हैं सिंपल एडिशन के तहत सेल्स की फिगर में सेल्स की फिगर को ऐड कर दिया पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐड हो गई इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस हमने ऐड कर लिए इसी तरह से इनकम टैक्स एक्सपेंस को ऐड कर लिया और हमारे पास कंसोलिडेटेड प्रॉफिट या को उसमें शामिल किया। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट की फिगर आ गई हाँ आप जो स्नैरियो में आपको करवाने जा रहा हूँ उसे जरा मजीद तवजो के साथ देखिएगा क्योंकि इसमें गुडविल की कैल्कुलेशन की बात भी की जाएगी इनकम स्टेटमेंट इज गिवन फॉर दर टू थाने की भी और सब्सिडरी अलबत् जो चीज ज्यादा तवज्जो के साथ पढ़ने की बात है वो ये है कि पेरेंट कंपनी ने हंड्रेड परसेंट इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड सेवन यानी कि अब दो साल गुजर चुके हैं इस एक्विजिशन को कितने में एक्वायर किया था 1700 हंड्रेड में जब सब्सिडी कंपनी के शेयर कैपिटल 1250 फिफ्टी के थे और उसके रिजर्व 150 फिफ्टी के थे अब बात इसमें भी बड़ी सादा है कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दो नई बातें नजर आएंगी जो कि पिछले स्नैरियो में नहीं थी एक तो गुडविल की कैलकुलेशन आपको बाकायदा गुडविल की अमाउंट बताएगी पिछले स्नैरियो में गुडविल जीरो आई थी हमने कैलकुलेशन जरूर उसकी की थी लेकिन गुडविल जीरो थी यहां पर आप चूंकि हमारे पास नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कम है हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से तो गुडविल आ जाएगी और दूसरी अहम बात इस स्नैरियो में जो है वो आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट की कैलकुलेशन समझाई जाएगी आइए जी हम वर्किंग वन देखते हैं इसमें गुडविल को कैलकुलेट किया जा रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1700 और हमारे पास प्री एक्विजिशन ऑनर्स इक्विटी ऑफ एस कंपनी 1400 हंड्रेड की है जिसमें 1250 का शेयर कैपिटल और 150 के रिजर्व्स मिलकर 1400 बनते हैं और उनको जब माइनस किया 1700 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से तो हमें मालूम हुआ के थ्री हंड्रेड की हमारी गुडविल बनती है अब चलते हैं जी दूसरी वर्किंग की तरफ अब ये वर्किंग है ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिटेन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इस वर्किंग को पहले देख लें उसके बाद मैं आपको इसकी बारीकियां भी समझा दूंगा आप देख सकते हैं कि हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिटेन प्रॉफिट मालूम करने के लिए टोटल ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट ऑफ पेरेंट कंपनी वन में शामिल करना है पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ऑफ रिटेन प्रॉफिट ऑफ एस कंपनी अब पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ऑफ रिटेन प्रॉफिट ऑफ एस कंपनी को मालूम करने के लिए हम देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट इस साल हमारे पास सब्सिडी कंपनी का कितना है दैट इज फोर फिफ्टी रुपीज इसे आप क्वेश्चन में देखिए आप देख रहे हैं कि वहां पर हमें फोर फिफ्टी रुपीज की फिगर नजर आ रही है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट के नाम से इसमें से हम माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स वो भी क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन रिजर्व्स 150 रुपीस के थे और यह बात मैं आपको क्लियर कर चुका हुआ हूं कि रिजर्व्स हमारे इस नैरियो में रिटेन्ड प्रॉफिट ही हैं इसके अलावा कोई रिजर्व नहीं है ठीक है तो जो रिटेन प्रॉफिट है वो हमारे पास वन फिफ्टी रुपीज का था ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन अब अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट इस साल की इनकम स्टेटमेंट के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर हमारे पास आ रही है उसके अंदर जो हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट प्लस कर रहे हैं वो इस साल के शुरू की डेट का बैलेंस है याद रखिए ओपनिंग बैलेंस का मतलब यह होता है कि जो करंट ईयर है उस करंट ईयर के स्टार्टिंग डेट पर क्या बैलेंस था करंट ईयर है 31st ऑफ दिसंबर 2008 को जो साल खत्म हो रहा है वो वाला कैलेंडर ईयर हमारा करंट ईयर है अब जो 31st ऑफ दिसंबर 2008 को ईयर क्लोज हो रहा है वो स्टार्ट कब हुआ था फर्स्ट ऑफ जनवरी 2008 को तो फर्स्ट ऑफ जनवरी 2008 को हमारे पास बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट मौजूद था फोर फिफ्टी का जबकि हमने सब्सिडी कंपनी को एक्वायर किया फर्स्ट ऑफ जनवरी 2007 को क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि डेट ऑफ एक्विजिशन इज फर्स्ट ऑफ जनवरी 2007। अब देखिए फर्स्ट ऑफ जनवरी टू से लेकर फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड एट तक एक साल गुजर चुका और अब हमने जो इनकम स्टेटमेंट बनानी है वो थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड एट की बनानी है ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड एट को है फोर फिफ्टी रुपीज का इसमें से हम वन फिफ्टी रुपीज को माइनस कर देंगे जो कि प्री एक्विजिशन रिटेन प्रॉफिट की फिगर है प्री एक्विजिशन यानी कि फर्स्ट ऑफ जनवरी 2007 को हमारे पास रिटेन प्रॉफिट की फिगर थी वन फिफ्टी लिहाजा 450 जो कि फर्स्ट ऑफ जनवरी 2008 की फिगर है उसमें से हम फर्स्ट ऑफ जनवरी 2007 की फिगर वन फिफ्टी को माइनस कर दें तो जो 300 हंड्रेड हमारे पास आएंगे ये आफ्टर एक्विजिशन टिल द ओपनिंग डेट ऑफ द करंट ईयर हमने प्रॉफिट कमाया है 450, फिफ्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी टू को ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट की फिगर है और 150 फिफ्टी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास प्रॉफिट रिटेन प्रॉफिट की फिगर मौजूद थी अब 450 और 150 का जो डिफरेंस है वो एक्विजिशन के बाद हमने कमाया फॉलोड एक्विजिशन पर 150 फिफ्टी थे और ऑन द डेट विच इज आर ओपनिंग डेट ऑफ द करंट ईयर उस वक्त 450 फिफ्टी है तो 300 जो है वो आफ्टर एक्विजिशन है तो हम ग्रुप रिजर्व में आफ्टर एक्विजिशन यानी कि पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व की फिगर को इकट्ठा किया करते हैं फॉलोड लिहाजा पेरेंट कंपनी के 100 परसेंट ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट की फिगर में हम सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ऑफ ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट को शामिल करेंगे तो हमारे पास ग्रुप का ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट हासिल होगा क्लियर हां ये इंतहाई अहम पॉइंट है इसको जहन में रखिएगा नेक्स्ट जितने स्नेरियोज आएंगे हर स्नेरियो में इस पॉइंट ने रिपीट होना है इसलिए याद आपको हो जाएगा इसलिए अभी परेशान ये ना हो कि पता नहीं सर ने समझाया तो है लेकिन जेन में बैठ नहीं रही बात कोई मसला नहीं कोई टेंशन नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई परेशानी नहीं अब आपने जो सीख लिया इसको आपने होशमंदी के साथ अगले स्नेरियोज में देखना कैसे अप्लाई हो रहा है ओके okay? और चीज खुद खुद आपको याद हो जाएगी आइए देखते हैं सोल्यूशन सो so, हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिटेन प्रॉफिट हासिल हुआ वो है थर्टीन हंड्रेड रुपीज का अब जी हम कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं फॉर दर एंड्रेड थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसंबर टू थाउजेंड एट सेल्स उसी तरह आपने सिंपल एडिशन की और 11,500 थाउजेंड की अमाउंट हासिल हो गई नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जो कि माइनस करनी है यह भी सिंपल एडिशन है पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आपने इकट्ठा किया और वो 7,400 थाउजेंड की बन गई इस 7,400 फोर को जब हमने 11,500 थाउजेंड से माइनस किया तो ग्रॉस प्रोफिट की फिगर आती है फोर्टी पिछले में भी ऐसा ही था अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस सेम उसी तरह जैसे पिछले स्नैरियो में आपने सिंपली अप किए थे 1800 और 600 हंड्रेड की फिगर को तो 2400 हासिल हुआ था वही यहां पर आपको फिगर मालूम हो रही है उसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया तो 1700 हंड्रेड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह लें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लें आपको फिगर हासिल हो गई लेस करेंगे हम इसमें से इनकम टैक्स सिक्स और हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी रुपीज हासिल हो जाएगा हाँ आप ग्रुप रिटेन प्रॉफिट हमारे पास थर्टीन हंड्रेड रुपीज का आ गया जिसकी कैलकुलेशन अभी बड़ी डिटेल से हमने सीखी है वो इसमें प्लस किया, तो टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट हासिल हो गया इस सिनेरियो में हमने सिर्फ एक ही नई बात सीखी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप्स रिटेन प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा इसी तरह जो मैं नेक्स्ट स्नेरियो आपको बताने लगा उसमें भी एक ही नई बात है और बाकी सारी पिछली बातें रिवाइज होंगी इस तरह से फायदा यह होगा कि पिछली बातें रिवाइज जितनी महत्व होंगी वो उतने ज्यादा आपको याद हो जाएंगी और हर स्नैरियो में एक नई बात आपको मजीद मालूम हो जाएगी ठीक है तो अब मैं जो बात करने लगा हूं वो इंटर कंपनी डिविडेंड की बात करने लगा अब सब्सिडरी कंपनी में पेरेंट कंपनी की जब इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो सब्सिडरी कंपनी जो डिविडेंड देगी वो पेरेंट कंपनी को मिलेगा या नहीं एग्जैक्टली exactly. अब अगर हंड्रेड परसेंट एक्विजिशन है तो सब्सिडरी कंपनी की तरफ से दिया गया डिविडेंड हंड्रेड परसेंट पेरेंट कंपनी की इनकम हुआ बात ऐसी है ना तो अब ये चीज जो है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के तहत कैंसिल हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी का डिविडेंट पेड कैंसल हो जाएगा पेरेंट कंपनी की इनकम्स में मौजूद डिविडेंड रिसीव के साथ बाकी की बातें सेम ओके आइए देखते हैं स्नैरियो को गिवन है जी इनकम स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसंबर टू थाउजेंड एट सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस कोई फर्क नहीं हां अलबत्ता ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम प्लस कर रहे हैं डिविडेंड इनकम ये पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में आपको नजर आ रहा है वन ट्वेंटी और आप अगर सब्सिडरी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे देखें तो डिविडेंट पेड की फिगर नजर आ रही है वन की अब ये एक्जैक्टली सेम फिगर्स क्यों है क्योंकि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के हंड्रेड परसेंट इक्विटी शेयर एक्वायर किए हुए हैं तो जितना भी डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी पे करेगी हंड्रेड परसेंट पेरेंट कंपनी की इनकम बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी जब डिविडेंड पे करती है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस किया जाता है यह चीज हमने सीखी हुई है पहले कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जब हमने बनाई थी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ले गए थे और वहां पर हमने डिविडेंड पेड को माइनस करके शो किया था याद है ना वो डिविडेंड पेड इनकम बनता है पेरेंट कंपनी की लिहाजा उसे इनकम वाली जगह पर हमने शो किया और इनकम वाली जगह इनकम की क्लासिफिकेशन किस जगह पर होती है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन की फिगर के बाद यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम डिविडेंड इनकम को शामिल कर रहे हैं पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में और सब्सिडी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से जो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मालूम हो रहा है थ्री हंड्रेड रुपीज का उसमें से हम डिविडेंड पेड को माइनस कर रहे हैं क्वेश्चन का बाकी हिस्सा ऑलमोस्ट सेम है सिर्फ एक तब्दीली के साथ कि अब हमने एक्विजिशन की डेट को एक साल मजीद पीछे कर दिया यानी कि अब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर रही है फर्स्ट ऑफ जनवरी 2006 को सेम वही 1700 रुपीस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है शेयर कैपिटल वही 1250 रुपीस के हैं और इसके रिटेन प्रॉफिट्स या रिज़र्व्स ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सिक्स के थे कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है हमने इस सवाल में थर्टी ऑफ दिसंबर को अब फर्स्ट ऑफ डिसंबर टू की कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं ऑल दो अभी इस गुडविल की कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आ रही कि इनकम स्टेटमेंट में क्या इसका रोल होगा हां इंशाल्लाह बताऊंगा जरूर इनकम स्टेटमेंट में बहरहाल हम गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद अगर इंपेयरमेंट लॉस हो तो उसको अकाउंट फॉर करते हैं नेक्स्ट अभी वो स्नैरियो आ जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम क्यों गुडविल को साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं अगर इंपेयरमेंट लॉस का कोई सिलसिला ना हो तो हमें कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए गुडविल को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है हाँ अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ हमें प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजीशन रिटेन प्रॉफिट में तमीज करने के लिए इस प्री के रिजर्व को गुडविल की कैलकुलेशन में शो कर देना जरूरी होता है इसलिए हम ये कैलकुलेशन साथ साथ कर रहे हैं ताकि हमें प्री और पोस्ट में तमीज होती चले जाए साथ साथ ठीक है ले जी अब हम कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं देखिए सबसे पहले गुडविल को कैलकुलेट किया जा रहा है 1700 हंड्रेड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्री एक्विजिशन ओनर्स इक्विटी ऑफ एस कंपनी जिसमें के ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल शामिल है ट्वेल्व फिफ्टी का और प्री एक्विजिशन रिटेन प्रॉफिट शामिल है फिफ्टी रुपीज के मिलकर बनती है थर्टीन हंड्रेड रुपीज अब थर्टीन हंड्रेड रुपीज को माइनस किया जब सेवनटीन हंड्रेड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से तो हमारे पास गुडविल आ गई फोर हंड्रेड रुपीज की लें जी अब हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट्स को कंसोलिडेट करते हैं जिसमें के हंड्रेड परसेंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट ऑफ पेरेंट कंपनी वन थाउजेंड रुपीज शामिल किया जाएगा और पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन भी इसमें शामिल किया जाएगा अब पोस्ट एक्विजिशन पार्ट को मालूम करने के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस जो कि इस साल फर्स्ट ऑफ जनवरी 2008 को हमारे पास मौजूद था फोर फिफ्टी उसमें से हमने प्री एक्विजिशन रिटेन्ड प्रॉफिट ऑफ एस कंपनी जो के 50 रुपीस का है माइनस किया तो हासिल हुआ 400 रुपीस अब आप बखूबी समझ चुके होंगे कि फर्स्ट ऑफ जनवरी 2006 को हमारे पास जो 50 रुपीस का रिटेन्ड प्रॉफिट मौजूद था उसके बाद हमने जो 400 रुपीस का रिटेन्ड प्रॉफिट कमाया वो हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप का हिस्सा बनेगा क्योंकि ग्रुप ने जो रिटेन प्रॉफिट में अपनी कमाई को शो करना है सिर्फ और सिर्फ वो 400 रुपीस का बनता है ठीक है ना 50 रुपीस तो ग्रुप से पहले की कमाई थी फॉलोड ले अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और इसकी इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं कि कैसे कंसोलिडेट हो रही है इसमें जी आपको अगेन कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसंबर टू थाउजेंड एट नजर आ रही है सेल्स पी कंपनी और एस कंपनी की सेवनटी फाइव हंड्रेड एंड फोर थाउजेंड सिंपल एडिशन के बाद इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बन जाती हैं। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेवेंटी फोर हंड्रेड आपको सिंपल एडिशन के तहत नजर आ रही है क्रॉस प्रॉफिट वही फोर्टी वन हंड्रेड जो कि पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस अगेन वही ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज और यूं 1700 हंड्रेड के हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गए अब आप एक वर्किंग देखिए जिसमें आपको पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, लेकिन जो पेरेंट कंपनी की अदर इनकम 125 ट्वेंटी की है वो कैंसल हो रही है सब्सिडरी कंपनी के डिविडेंट पेड 125 ट्वेंटी की फिगर के साथ इसका मतलब हुआ कि ये इंटर कंपनी डिविडेंट ना इनकम्स का हिस्सा बनेंगे और ना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा तस्वूर किए जाएंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बहुत सादा है उसी तरह से इनकम टैक्स की फिगर को हमने एड किया 530 थर्टी प्लस टू तो हमारे पास 730 थर्टी रुपीज की कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट आ गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 970 सेवनटी रुपीज का आ गया हाँ अब इसमें से आप माइनस करेंगे डिविडेंड पेड बाय पेरेंट कंपनी डिविडेंड पेड बाय पेरेंट कंपनी जो है वो कैंसिल नहीं हुआ और कैंसिल हो भी नहीं सकता उसका लिहाजा तो स्टेटमेंट सिर्फ सिर्फ के चेंजेस इन इक्विटी वाले पार्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करना है जब यह माइनस किया तो हमारे पास फिगर आती है सेवन ट्वेंटी रुपीज की इस सेवन ट्वेंटी में हम फोर्टीन हंड्रेड जो के ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिटेन प्रॉफिट है उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास टू थाउजेंड जाएगा ग्रुप एंड प्रॉफिट से का आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्नैरियोज में आप एक एक बात करके इनकम स्टेटमेंट की बारीकियां समझते चले जा रहे हैं हमने सिंपल एडिशन देखी उसके बाद हमने गुडविल को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट की फिगर में दो पार्ट्स देखें एक प्री एक्विजिशन और दूसरा पोस्ट एक्विजिशन और फिर हमने देखा कि किस तरह पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ऑफ ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट हमारे ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप का हिस्सा बनता है और फिर हमने एक और छोटा सा स्नैरियो देखा जिसमें के हमने इंटर कंपनी डिविडेंड को कैंसिल होते हुए सीखा अब एक और मुख्तर सा अब हम माइनोरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे आइए देखते हैं उसी तरह से इनकम स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमें पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की सेम वही फिगर्स सेल्स की वही फिगर्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की सेम फिगर्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस की जो कि हम पिछले स्नैरियो में भी देख चुके हैं इनकम टैक्स फोर एटी और टू हंड्रेड हाँ डिविडेंड पेड सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी में नजर आ रहा है बात को सिंपल रखने के लिए सब्सिडी कंपनी में डिविडेंड को नहीं शो किया गया और रिटेन प्रॉफिट्स की फिगर हमें दी हुई है ओपनिंग बैलेंस की और क्लोजिंग बैलेंस रिजल्ट के तौर पर हमारे पास आ गया हमारे पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की फिगर भी वही फिफ्टी रुपीज की है जबकि डेट ऑफ एक्विजिशन इसमें फर्स्ट ऑफ जनवरी टू है एज फार एज फर्स्ट वर्किंग इज रिक्वायर्ड यहां पर आप कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट की तरह फर्स्ट वर्किंग में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग और परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे जो कि हम एक क्वेश्चन में बताई हुई है कि 80 परसेंट एक्विजीशन है सबसिडी कंपनी के इक्विटी की तो वाजे है कि हमारी माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20 परसेंट की बनती है सो so जब हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो प्री एक्विजिशन इक्विटी का 80 परसेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस होगा जो कि हम देख रहे हैं थर्टीन हंड्रेड हमारे पास प्री एक्शन रुपीज आ गया और जो हमारे पास गुडविल आ जाती है सिक्स हंड्रेड की ये आपके लिए समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है आप पहले काफी मर्तब इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं हाँ रह गई बात ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप कैलकुलेट करने की उसमें हम जो पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट होगा उसका हम 80 परसेंट लेंगे यानी होल्डिंग करेंगे फोर हंड्रेड रुपीज का उस फोर हंड्रेड का एटी परसेंट हमने लिया तो थ्री ट्वेंटी रुपीज आ गया इसको हम प्लस करेंगे ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट ऑफ पेरेंट कंपनी में जो कि वन थाउजेंड रुपीज के हैं तो टोटल हमारे पास ग्रुप का ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट आ गया वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज हां अलबत्ता माइनोरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको करना होगी आपको याद है कि आपने कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक बड़ा सादा सा फॉर्मूला याद किया था और वो था सब्सिडी कंपनी की ओनर्स इक्विटी इनटू परसेंटेज ऑफ एमआई ऐसे ही था ना इसी तरह माइनॉरिटी इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी बड़ी सादा है वो सादा सी कैलकुलेशन क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिहाजा इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में और देखते हैं कि हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट की क्या फिगर आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी है थ्री हंड्रेड रुपीज का इंटू ट्वेंटी परसेंट एम आई परसेंटेज है वो अप्लाई की तो सिक्सटी रुपीज हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट की फिगर आ गई अब फौरी तौर पर आप कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में तशरीफ लाइए और देखिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर तक कोई तब्दीली नहीं हमने आज जितने स्नेरियो किए उनमें यही फिगर्स आपके पास आ रही हैं वर्किंग्स आपको सामने नजर आ रही हैं कि सिंपल एडिशन के तहत ये फिगर्स हमने हासिल की हैं अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट फिगर माइनस करनी है जो कि बनती है सिक्सटी रुपीज की जब माइनस किया तो डिविडेंड पेड आपने सिक्स कर देना है पेरेंट कंपनी का क्योंकि इसनेरियो में तो सब्सिडरी कंपनी की तरफ से कोई डिविडेंड पे नहीं हुआ था और अगर हुआ भी होता तो आपने देखा था लास्टरियो में उसको हमने कैंसिल कर दिया था लिहाजा वो जो सेवन सिक्सटी रुपीज पेड की फिगर को माइनस करके हमारे पास आए उसमें आपने ग्रुप रिटेन्ड प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस 1,320 एंड शामिल करना है और हमारे पास हासिल हो जाएगा 2,080 थाउजेंड का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट ऑफ रिटेन ग्रुप क्यों जी बात आसानी से समझ आ गई हमने जो बातें आज सीखी हैं उसमें सिंपल कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा हमने जिसमें कि सिंपली हमने एडिशंस की थी और उसके बाद हमने गुडविल को कैलकुलेट जो किया उसमें हमने सिर्फ इतनी सी बात सीखी कि ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट में दो हिस्से मौजूद होते हैं एक प्री एक्विजिशन और दूसरा पोस्ट एक्विजिशन का प्री एक्विजिशन को गुडविल में ले गए और पोस्ट एक्विजिशन को ग्रुप रिजर्व में ले जाए उसके बाद हमने इंटर कंपनी डिविडेंड की कैंसिलेशन देखी और लास्टली हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीखा इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को अच्छी तरह जहन में रख लीजिएगा इन सारी बातों को रिवाइज कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे आप इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज